यहाँ पे जो स्पीकर्स दिए गए वो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट नहीं करते जो टीवी में बिल्ट इन है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फाइनली Redmi की स्मार्ट टीवी लॉन्च हो गई है आज इंडिया में और आज के वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो लगी मुझे इस टीवी की प्राइसिंग, और प्राइसिंग देख के बस मन में एक ही बात आती है, वाह Xiaomi वाह। लेकिन क्या ये सच में टीवी वावाई के काबिल है, देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाए करना। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे Xiaomi के सब ब्रांड Redmi ने X स्मार्ट टीवी सीरीज को लॉन्च किया है इंडिया में। और यहाँ पे बात करें कौन कौन से वेरिएंट में आपको ये टीवी देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे तीन वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। जो शुरुआत होती है उसकी 50 से जाएगी 55 और 65, यहाँ पे तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे तीनों के तीनों 4K रेजोल्यूशन के साथ आने वाले है, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे बात करें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं हमेशा कहता हूँ कि टीवी की प्राइसिंग, तो यहाँ पे अगर एक झलक डाले टीवी की प्राइसिंग के ऊपर तो प्राइसिंग बहुत ही बढ़िया रखी है। मतलब एक इंडियन कंज्यूमर के जो पॉकेट होता है जेब, उसका जरूर यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा गया और प्राइसिंग बहुत ही बढ़िया रखी गई। मतलब 50 इंच की जो टीवी आपको तकरीबन 33,000 रुपीस की मिल रही है आज के तारीख में, जहां पे टीवी की प्राइसिंग बढ़ते जा रही है यहाँ पे आपको एक डिसेंट प्राइस देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ ही साथ अब यहाँ पे बात करें इस टीवी की कुछ खास स्पेसिफिकेशन और डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पे जो बेजललेस डिजाइन आपको दिया गया इस टीवी में। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे बात करें डिस्प्ले एंड पैनल के बारे में, तो पैनल के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आई कि VA हो सकता है या IPS हो सकता है, क्योंकि MI Xiaomi सब टीवी बनाते हैं और उसमें अलग अलग पैनल यूज करते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी कन्फर्मेशन पैनल के बारे में नहीं है। और इसी के साथ ही साथ बात करें डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ और चीजों के बारे में, तो यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया गया है, SDR10 और HLG को सपोर्ट करती है टीवी। और साथ ही साथ यहाँ पे विविड पिक्चर इंजन लगाया गया इस टीवी में, जो बेसिकली ओवरऑल जो पिक्चर की क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जाएगा। और बात कर ले यहाँ पे कलर मैनेजमेंट के बारे में, तो इस टीवी में आपको व्हाइट कलर गैमेट दिया गया है जो सपोर्ट करता है NTSC 85% तक, और जो DCI-P3 है उसका भी आपको 92% तक का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे कलर एक्यूरेसी के ऊपर काफी ध्यान दिया गया है इस टीवी में। और जहां तक सवाल है टीवी के साउंड आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे 30 वॉट का साउंड आउटपुट सुनने मिल जाएगा आपको इस टीवी में। 50 और 55 इंच के हिसाब से ठीक है, लेकिन 65 इंच वाले में थोड़ा सा ज्यादा आउटपुट होने की जरूरत थी। और यहाँ पे बात करें साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे आपको डॉल्बी ऑडियो का टेक्नोलॉजी देखने मिल जाएगा, साथ ही साथ DTS HD और DTS वर्चुअल X का भी सपोर्ट आपको इस टीवी में देखने को मिलने वाला है। और बात कर ले यहाँ पे इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये टीवी में आपको एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाएगा, और जो वर्जन दिया गया एंड्रॉइड 10 दिया गया। और इसी के साथ ही साथ ये भाई Redmi Xiaomi और ये MI की टीवी है, तो यहाँ पे आपको पैच वॉल तो बाय डिफॉल्ट देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पे लेटेस्ट पैच वॉल UI आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात कर ले इंटरनल स्टोरेज रैम के बारे में, तो 2GB का रैम और 16GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। 16GB तो सिर्फ बोलने के लिए होता है, आपको एक्चुअली यूजेबल मिलता है 11GB का, ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको 64-bit का A55 क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ ही साथ जो GPU दिया गया है माली G52 दिया गया है। और जहां तक सवाल है टीवी के कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, तो यहाँ पे जितने भी पॉपुलर कंटेंट प्रोवाइडर है आपको इस टीवी में इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे, जैसे Amazon Prime, Netflix, Hotstar, YouTube, सब कुछ आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलने वाले। और ये Android टीवी है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे गेम्स और ऐप का फुल मजा तो आप इस टीवी में लेने ही वाले हो। बात कर ले टीवी के कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिलने वाले। HDMI पोर्ट जो है वो 2.1 कंप्लायंट है, और उसमें से एक पोर्ट eARC है, मतलब यहाँ पे आप इस पोर्ट के थ्रू आप जितने भी होम थिएटर और साउंड बार है वो आप इजिली से कनेक्ट कर पाओगे। इसी के साथ साथ ब्लूटूथ 5.0 दिया गया, डुअल बैंड वाईफाई दिया गया, 3.5mm का जैक दिया गया है, जितने भी रिक्वायर्ड पोर्ट होते हैं एक टीवी में सब कुछ देखने मिल जाएंगे, तो नो कंप्लेंट्स अबाउट पोर्ट्स। इसी के साथ ही बात करें कुछ और फीचर के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्विक वेकअप का ऑप्शन दिया गया, जिससे बूटिंग वगैरह फास्ट होती है, जो MI ने पहले उनके प्रीवियस टीवी में डाला हुआ है, तो यहाँ पे ये कुछ नई बात नहीं है। इसी के साथ ही बात करें यहाँ पे कुछ स्मार्ट कैपेबिलिटीज के बारे में, तो यहाँ पे आपको वॉइस एनेबल रिमोट मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो ये सारे फीचर्स के साथ आने वाली ये टीवी है। लेकिन यहाँ पे कुछ बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे भाई आपको जो
डॉल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट है यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस किया गया इस ढंग से कि जहां पे आपको अगर आपके पास साउंड बार है अगर वो डॉल्बी एटमॉस को डिकोड कर पाएगा तो यहाँ पे आप डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट ले पाओगे इस टीवी में। लेकिन यहाँ पे जो स्पीकर दिए गए वो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट नहीं करते जो टीवी में बिल्ट इन है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस टीवी में आपको डॉल्बी एटमॉस का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए आपके पास एक डॉल्बी एटमॉस अनेबल साउंड बार होना बहुत जरूरी है। ये पहला पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर ये आप टीवी लेने का प्लान कर रहे हो। इसी के साथ ही बात करें कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको HDMI 2.1 तो दिया गया लेकिन यहाँ पे आपको जो रिफ्रेश रेट मिलने वाला है वो स्पेसिफाई नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट 60Hz ही अभी तक मैं पकड़ के चलता हूं। 120Hz का भी शायद हो सकता है लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं है। MI की टीम से हमारी कुछ बात नहीं, इसलिए हम आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी नहीं मिल रहा है, हालांकि यहाँ पे आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड दिया गया है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो इनपुट लैग है वो भी 5 मिलीसेकंड्स का है, तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप ये टीवी लेने के लिए सोच रहे हो। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो एक इंडियन कंज्यूमर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होता है टीवी का पैनल। तो MI की टीवी में जैसे मैंने कहा कि उसमें VA भी हो सकता है, IPS भी हो सकता है, तो यहाँ पे अभी तक कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो मुझे तो ऐसा लगता है जितने भी चाइनीज ब्रांड है उनको तो अभी बोलते ना उनके लॉन्च इवेंट में ही ऐसा लिख देना चाहिए, स्पेसिफिकेशन ब्रैकेट में नहीं बताना है। जैसा मैंने TCL की वीडियो में कहा था वहां पे भी वो चाइनीज ब्रांड है और उनको मतलब ये डिटेल्स बताने में मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों वो छुपाते हैं या फिर उनको मतलब नहीं बताने में कौन सा मजा आता है। एक इंडियन कंज्यूमर के लिए सारी चीजें अगर आप खोल के बताओगे तो शायद उनके लिए डिसीजन लेना आसान होगा। तो MI की टीम से अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो भाई ये चीज को आप इम्प्लीमेंट कीजिए और सारी स्पेसिफिकेशन बिंदास इंडियन मार्केट में खुल के बताइए। तो दोस्तों यही थी सारी डिटेल्स इस Redmi के X स्मार्ट टीवी सीरीज के बारे में। तो यहाँ पे अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि भाई ये टीवी ले या ना ले, तो यहाँ पे अभी तक मैंने पर्सनली खुद टीवी देखी नहीं क्योंकि अभी हमें हैंड्स ऑन रिव्यू करने को नहीं मिला है। मैं अगर रिव्यू करूंगा उसके बाद ही आप मेरा रिकमेंडेशन लीजिए, उसके पहले मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि भाई पैनल की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ब्राइट नेट्स वगैरह भी नहीं है, तो अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस मैं हैंड्स ऑन रिव्यू कर लूं, उसके बाद मैं शायद आपको अपडेट करूंगा कि भाई आपको ये टीवी लेनी चाहिए या नहीं। तो मेरे फाइनल रिव्यू का वेट कीजिए अगर वो टीवी मिलती है, या फिर आप कोई भी और वीडियो देख के आपका डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता या फिर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, ये मैं आपको क्लियर कट कहना चाहूंगा। इसी के साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ खास टीवी की लिंक्स डाली हुई जो हमने अच्छी तरह से टेस्ट किए हुए हैं और एकदम बढ़िया से इस्तेमाल करने के बाद आपको रिकमेंड करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कीजिए। और इसी के साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ठोकना, शेयर करना और सब्सक्राइब किया है कि नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली में जुड़ जाइए। और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।